मॉर्निंग फ्रेंड, देखिए यहाँ हो रही है बारिश। सुबह 4 बजे से मैं उठी हूँ, तब से बारिश हो ही रही है। और अभी बज गए हैं 9, तो मेरा सभी जगह झाड़ू वगैरह लग गया है। और मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। तो देखिए मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया है और बनाऊँगी बादाम की चटनी। और इसे चावल के आटे में बनाऊंगी फ्रेंड। बस चावल का आटा इसमें मिक्स करके इसका पतला सा पेस्ट बनाऊंगी और चीला बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल डोसा के जैसा। अगर डोसा नहीं है मगर जस्ट डोसा जैसा लगता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सब्जी को वॉश करके ही चॉप की थी, तो अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और हल्दी पाउडर डाल दूँगी। बस मैं इतना ही डालूँगी और इसमें चावल का आटा डालूँगी और आटा थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डालूंगी, क्योंकि चावल का आटा ज़्यादा है नहीं, मार्केट में इजीली मिल जाता है चावल का आटा। अब मैं इसमें पानी डाल के पतला सा पेस्ट बना लूँगी, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। और हमारा पेस्ट भी बन गया। अब मैं इधर बादाम की चटनी बना ली हूँ। तो मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया था और बस उसमें मिर्च और लहसुन दे के पीस लिया है। तो ये देखिए हमने चीला भी बनाने लगी। और आज मैं सुबह लेट से उठी थी फ्रेंड, क्योंकि बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जाना था, तो लेट से उठी। तो मैं सोची झटपट इसे ही बना लेती हूँ और इसे बनाने में भी काफ़ी इजी था। तो ये हमारा चीला रेडी हो गया। ये हमारा वेजिटेबल चीला बन गया है और काफ़ी टेस्टी भी है, काफ़ी हेल्दी भी है। तो आप लोग भी खा लीजिए और बहुत टेस्टी लग भी रहा है। देखिए ये पूरा कुरकुरी कुरकुरी सी लग रही है। और मैंने दूसरा, तो ये झटपट नाश्ता काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी हेल्दी भी है। तो मैं अब दे देती हूँ। तो मैं सभी काम कर ली हूँ, नहा ली हूँ और मैं आ गई थी छत पे। मैं सोची कुछ रील बना लेती हूँ, मगर यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना सा है, मगर बारिश होने लगी तो मैं नीचे आ गई। मेरा गार्डन है, मैंने इसे देखिए टूटे फूटे सामान से, कबाड़ से गार्डन बनाया है। तो हो सके तो मेरे इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। तो ठंड के टाइम में पत्थर पड़ना, समझ रहे हैं? मम्मी झारखंड की हिमाचल दिख रहा है, झारखंड की हिमाचल है। तो देखिए मेरे पूरे आंगन में पानी भर गया। अरे दिखा ना वो जो गिरा है पत्थर। और पत्थर काफी ज्यादा बड़े बड़े साइज में पड़ रहे हैं। बताइए, एक ठंड के मौसम में अगर बारिश होगी तो और कितनी ठंड बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड आज तो मज़ा ही आ गया, काफ़ी दिनों से पत्थर नहीं पड़ा था, मैंने बर्फ नहीं गिरे थे, तो आज तो बर्फ का भी मज़ा आ गया। अब ऐसे बर्फ के मौसम वाले में चाय और पकोड़े हो जाए तो देखती हूँ, शाम में मैं बनाऊँगी चाय और पकोड़े। तो फ्रेंड मैं तो चली चाय बनाने और मैं चाय चढ़ा भी दी हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।